हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखो यार, आज ना ज़्यादा खबरें नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग खबरें हैं, जो सुन करके तुमको जो है वो मज़ा आने वाला है फॉर श्योर। तो आज की वीडियो का अपन लाइक टारगेट रखेंगे 2.2K लाइक्स। भाई तुम लोग लाइक टारगेट गजब तोड़ रहे हो, गजब तोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने आज सोचा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2.2K लाइक्स। क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेरे को आज देखना है भाई, प्लीज़ कर देना। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डेविड डिया को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मेरे लिए क्यों शॉकिंग है मैं आपको बताने वाला हूँ। मोर ओवर हम लोग विक्टर रॉक के सिचुएशन के बारे में बात कर लेंगे एट एफसी बार्सिलोना की, क्या विक्टर रॉक साइन होंगे कि नहीं होंगे, क्या अभी जो है वो बातें चल रही है। मोर ओवर डॉर्टमुंड और जूड बेलिंगम के बारे में बात करेंगे, जो भैया नंबर वन टारगेट है बहुत सारे क्लब्स के लिए, रियल मैड्रिड, लिवरपूल और भी कई सारे बथेरे क्लब्स के। और आज का बॉम्ब खबर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड। हां भाई, आपने सही सुना, इसके बारे में भी मैं जो आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई बिगिन करते हैं वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बार्सा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डेविड डिया। तो भाई देखो यार, मैं तुमको थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ डेविड डिया की। डेविड डिया एकमात्र खिलाड़ी है जो सर एलेक्स फर्गसन के एरा से लेकर के अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में है, और इतना लंबा स्टे डेविड डिया का किसी को भी समझ में नहीं आया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेविड डिया बहुत खराब खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी था और अभी भी ठीक ठाक अच्छा खिलाड़ी है। देखो सीन ये है ना कि एक समय वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि भाई रियल मैड्रिड वॉज लुकिंग टू साइन हिम, और उस साइनिंग को ब्लॉक करी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड, ये कह रही कि हमारा फैक्स मशीन काम नहीं कर रहा है। तो वो एक समय इतना अच्छा खिलाड़ी, लेकिन यार मोर ओवर 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं इस बंदे को सर्व करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और उस सर्विंग के बाद भी यार अगर आज तक आपको गोलकीपर आपके साथ हो तो मेरे ख्याल से चेंज कर लेना चाहिए आपको गोलकीपर, क्योंकि गोलकीपर एक ऐसा पोजीशन है जो भाई फ्रेशनेस की जो है वो आवश्यकता रखता है मेरे हिसाब से। अब सीन ये है ना कि देखो अच्छा तो खेलता है डेविड डिया, लेकिन भाई हगता भी है, और उसने रिसेंटली हगा है 2-3 बार फाइनल्स में, फाइनल्स जीती है मैनचेस्टर यूनाइटेड उस बंदे के साथ, प्रीमियर लीग भी जीती है उसके साथ। लेकिन यार अभी रिसेंटली अगर मैं बात कर लूँ, फाइनल था विलारियल के खिलाफ 2 साल पहले, पेनाल्टीज तक गेम गया, एक भी पेनाल्टी डेविड डिया नहीं रोक पाए। सेकंड भाई अभी क्वार्टर फाइनल देख लो यूरोपा लीग का, खुद से लॉर्ड कैरियस टाइप का काम कर रहा है, जैसे कैरियस ने काम किया था लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड में, वैसा खुद से उसने 2 गोल सेविया को दिए हैं। पहला गोल तो चलो हैरी मैग्वायर के साथ मिलकर दिया, लेकिन तीसरा गोल तो उसने खुद से जो है वो भैया सेविया को दिया। तो भाई अभी उसकी फॉर्म इज नॉट दैट फॉर्म जो रियल मैड्रिड मांग रही थी जिस डेविड डिया को ना, वो डेविड डिया अब नहीं रह गया। तो आपको अब ऐसे रिपोर्ट्स की उम्मीद थी कि डेविड डिया को भगाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक नया गोलकीपर साइन करेगी, बट उसके कॉन्ट्ररी, उसके अपोजिट रिपोर्ट आ रहा है कि भैया डेविड डिया विल बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या बात कर रहे हो यार। देखो आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर डेविड डिया, लाइक ही इज द नंबर वन गोलकीपर राइट नाउ जो क्लीन शीट रख के रखा है प्रीमियर लीग में, बट भाई बड़े गेम्स में वो फंबल कर जाता है। 3 बहुत बड़ी कमजोरी डेविड डिया की, नंबर 1 ही कैन नॉट सेव पेनाल्टीज, नंबर 2 क्रॉसेस ले रहा हूं उसके बहुत ज्यादा बेकार है, एंड नंबर 3 ही कैन नॉट प्ले फ्रॉम द बैक। और जो अभी नया मैनेजर आया है वो प्ले फ्रॉम द बैक चाह रहा है, वो चाह रहा है कि गोलकीपर आपके पासेस वगैरह करे, तो वो सब चीजें डेविड डिया नहीं कर पाता है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी कि भाई डेविड डिया को भगाएंगे और एक नया गोलकीपर लाएंगे, लेकिन भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सेकंड हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं विक्टर रॉक के सिचुएशन के बारे में। अब भाई विक्टर रॉक का क्या सिचुएशन चल रहा है बार्सिलोना में, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, यंगस्टर है, ब्राजील के लिए खेलता है, 20 साल का है, और इसको ऐसा देखा जा रहा है कि यार ये फ्यूचर लुइस सुआरेस है हमारी टीम के लिए। उसकी पोजीशन प्ले, उसका पूरा खेल, उसकी फिनिशिंग सब जो है वो लुइस सुआरेस जैसा मैच कर रहा है। बट भाई बात ही पे आ जाती है कि हम इसको साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। फ्यूचर है, लेवेंडोस्की के बदले खेल सकता है, आज के लिए भी वो आज में भी आकर के खेल सकता है, लेकिन नंबर 1 प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई साइनिंग फीस प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 2 प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियल फेयर प्ले का। बार्सिलोना तुम जान रहे हो फाइनेंशियल फेयर प्ले से जूझ रही है। सो विक्टर रॉक ये कह रहे हैं कि भाई आप आकर के नेगोशिएट तो करो मेरे क्लब से, बातें तो चालू करो, बात की बात अपन देख लेंगे, मैं सैलरी वगैरह कम दूंगा आप लोगों से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बार्सिलोना अभी गई नहीं है बात करने के लिए, और विक्टर रॉक एट द सेम टाइम भाई बहुत उत्सुक है बार्सिलोना ही ज्वाइन करने के लिए, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन बार्सिलोना, ओनली एंड ओनली बार्सिलोना, वो इंटरव्यूज में आकर के बार्सिलोना ही करता था, लेकिन भाई बार्सिलोना वाले कोई जा ही नहीं रहे उससे बात करने के लिए। अब इसी जो है वो भाई साहब सिचुएशन के ऊपर नजर है चेल्सी की, लिवरपूल की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कि यार ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हम भी अपने टीम में ला सकते हैं, ब्राजीलियन नंबर 9। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी और लिवरपूल वो जाने नहीं चाह रहा है, वो बार्सिलोना जाना चाहता है। लेकिन एट द एंड ही इज़ लाइक थोड़ा सा डेस्परेट टू मूव टू यूरोप, ही सेइंग कि अगर जुलाई जून तक भाई आप मेरे साथ बात करने नहीं आओगे, उससे पहले मेरे से बात करते तक नहीं आओगे, तो मैं वेट नहीं करने वाला हूँ उतने देर के लिए। सो नाउ सिचुएशन इज़ ऑन बार्सिलोना के साइड, क्या बार्सिलोना वाले जा करके नेगोशिएट जल्दी से करेंगे कि नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। बार्सिलोना इज मिसिंग ऑन 2 वेरी की प्लेयर्स फॉर देयर अप
अपकमिंग सीजन, और वो है एक विक्टर रोग और एक है अरुणाव मार्टिनेस। अरुणाव मार्टिनेस प्लेस फॉर जिरोना, राइट बैक है, 20 से 25 मिलियन का आएगा, एंड ही प्लेड रियली गुड गेम अगेंस्ट विनिशियस जूनियर, और वो एक्स ला मासिया ही खिलाड़ी है अरुणाव मार्टिनेस। तो भाई अरुणाव मार्टिनेस को भी ले आओ या विक्टर रोग को ले आओ, किसी को तो लाओ, थोड़ा यंगस्टर्स लोग को लेकर के आओ। लेकिन बात अपन वही कर रहे हैं, बुस्केट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, जॉर्डी अल्बा को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। भाई थोड़ा फ्यूचर की तरफ मैं चाह रहा हूँ मैसी आए, लेकिन थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते हुए मैसी आए। हम यहीं पे स्टक होकर के मैसी को बस ले आएंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे कुछ। विक्टर रोक और अरुणाव मार्टिनेस को लाना चाहिए बार्सिलोना को, लेकिन अब देखो क्या होगा। विक्टर रोक वाला सिचुएशन बहुत बेकार हो चुका है, लेकिन विक्टर रोक अभी भी इसी होप में बैठा है कि भाई बार्सिलोना आकर के बात करेगी मेरे से, मेरे क्लब वालों से, तो इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना। बट अगर बार्सिलोना जल्दी से एक्ट नहीं करी ना इस चीज़ के ऊपर, तो दूसरे लोग ले जाएंगे इस बंदे। अगली खबर में आते हैं और वो है डॉर्टमुंड का खिलाड़ी जूड बेलिंगम। तो भाई जूड बेलिंगम का सीन ये है कि जूड बेलिंगम भाई अभी नंबर वन जो है वो टारगेट है बहुत सारे क्लब्स के लिए, लिवरपूल के लिए, रियल मैड्रिड के लिए, बट अभी ना कुछ कन्फर्म नहीं है। अब डॉर्टमुंड ने सीधा इशारा कर दिया है इसके जो है वो 80 मिलियन रिलीज क्लॉज के लिए, कि जिसको भी जूड बेलिंगम चाहिए भाई ये 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, आप जो है वो भाई इसको लेकर के जाना, लेकिन एक सीजन के बाद। अगर अभी लेके जाना है तो 120 130 मिलियन मांग सकते हैं, एक सीजन तक हम कॉन्ट्रैक्ट इसका जो है वो बढ़ाने वाले हैं, और वो बढ़ाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 80 मिलियन का होगा। तो अब जूड बेलिंगम भी ये सोच रहा है यार कि मैं तो चाह रहा हूँ लिवरपूल जाऊँ, ठीक है, लेकिन रियल मैड्रिड प्रेशर बना रही है, रियल मैड्रिड पैसे भी दे सकती है इतनी ज़्यादा, तो मैं एक सीजन रुक जाता हूँ डॉर्टमुंड और उसके बाद फिर लिवरपूल को बोलूंगा कि मेरे को खरीद लो। तो ये जूड बेलिंगम का जो है वो केस है कि भाई रिलीज क्लॉज बढ़ जाएगा एक साल वो और रुकेगा तो, और अभी लिवरपूल शायद पूरे तरीके से नहीं घुस सकती इस पूरे ट्रांसफर पे, तो जूड बेलिंगम विल बी वेटिंग फॉर लिवरपूल एक और सीजन डॉर्टमुंड में रुक करके, एंड देन भाई साहब ज्वाइनिंग लिवरपूल ऑन दैट रिलीज क्लॉज ऑफ 80 मिलियन। खैर आगे पहुंचते हैं और वो है द बॉम्ब ऑफ टुडे, और वो है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड। जी हाँ आपने सही सुना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड, बट नॉट एज अ प्लेयर, बट क्या अम्बे आपको बता। तो भाई सीन ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए अल नसर खूब ज़्यादा पैसा कमाने सऊदी अरब में, और वो खूब ज़्यादा पैसा कमा भी रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ही इज़ नॉट रियली वेरी हैप्पी। मैंने इसके ऊपर जो है वो वीडियो आज कल की जो है वो दोपहर की डाली, आप जाकर के देख सकते हो, यहाँ आई कार्ड में आ भी रहा होगा। तो ही इज़ नॉट रियली हैप्पी एट सऊदी अरेबिया बिकॉज ही इज़ नॉट विनिंग एनीथिंग। देखो अल नसर फर्स्ट ऑन द टेबल चढ़ी थी, वो सेकंड आ गई। अल नसर जो है वो रियाद कप से बाहर हो गई, अल नसर जो है वो किंग्स कप से बाहर हो गई, तो अल नसर जहाँ जहाँ कंपीट कर रही थी सब तरफ से बाहर हो गई, कहीं कहीं सेकंड आ गई। प्लस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ रियली स्ट्रगलिंग टू भाई साहब गेट अलॉन्ग विद द सऊदी कल्चर, वहाँ पे भाई स्कूल और टेम्परेचर सब ये सब जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जम नहीं रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। मोर ओवर भाई उनको लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द फैंस, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द प्लेयर्स एंड एवरीबडी एल्स। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नॉट क्वाइट हैप्पी एट अल नसर, और इसी के चलते जो है वो आप कह सकते हैं ही इज़ लुकिंग टू रिटर्न टू रियल मैड्रिड। अब वो कैसे होगा, बिकॉज एज अ प्लेयर तो वो नहीं होने वाला है, यू ऑल्सो नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट, ही इज़ 38 ईयर ओल्ड एंड पापा पेरेस विल नेवर एवर एक्सेप्ट अ 38 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर टू बी इन रियल मैड्रिड की स्क्वाड। तो ये कैसे हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, एंड आई एम नॉट कुकिंग दिस अप गाइस, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल एंड रिटर्न टू रियल मैड्रिड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियल मैड्रिड, या फिर किसी और अदर प्रोजेक्ट के हिसाब से एज द बैकग्रूम स्टाफ। और यहाँ पे पापा पेरेस हैज अश्योर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट भाई यू विल हैव नो लैक ऑफ जॉब्स एट रियल मैड्रिड, नो लैक ऑफ जॉब्स, आपके लिए कोई भी नौकरी की कमी नहीं होगी रियल मैड्रिड में, आपको हमेशा जो है वो वेलकम्ड हो। तो आप आ जाओ रियल मैड्रिड, हम आपको एज एन एम्बेसडर रख लेंगे हम आपको, या फिर कुछ और स्पोर्टिंग का कुछ रोल वगैरह दे देंगे। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड, है ना, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर या फिर एज अ क्लब एम्बेसडर फॉर देम, ये खबर आ रही है। विल ही बी रिटायरिंग फ्रॉम नेशनल टीम और नॉट, आई रियली डोंट नो, बट क्लब फुटबॉल को एक स्टॉप लगते हुए तुमको देखने को मिल सकता है फ्रॉम दी अगला सीजन या फिर अगले टू अगला सीजन, और वो यूरोस खेल करके तो रिटायर होने वाले हैं। दिस थिंग आई कैन भाई साहब अश्योर यू राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू यू, ठीक है। यही थी आज की बॉम्ब वीडियो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों से, टिल दी नेक्स्ट वीडियो में शिशिर सेन, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, एंड भाई साहब कमेंट छोड़ करके जाना कि तुम कहाँ से हो आज मुझे ये जानना है कि तुम कहाँ से हो, ठीक है। चलो मैं बता दूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं रहता हूँ अंबिकापुर में हूँ, लेकिन तुम कहाँ से हो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो बाय।